पिताजी पहले भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, आप लोग यहाँ के बच्चों के लिए क्या कुछ? देखिए, मरौली विधानसभा में 3-3 स्टेडियम का निर्माण किया गया, माझा में हुआ है, धर्मप्रसाद में भी हुआ है, प्लस मरौली में भी हुआ है। खेल के प्रति हम लोग हमेशा जागरूक रहते हैं, लेकिन ग्राउंड का जो जर्जर हालात है आप भी देख रहे होंगे, मिट्टी भर कर यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या इस कार्यकाल में संपन्न हो पाएगा क्या यहाँ? अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान। में आज पहला सेमीफाइनल मैच है, इसमें आए हैं क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यहाँ बरौली हमेशा जो खेल मैदान है यहाँ पर हमेशा खेल का आयोजन होता है, खासकर यहाँ के युवा वर्ग में क्रिकेट के प्रति काफ़ी उत्साह रहता है। राज विजय बाबू है, हमेशा हर साल टूर्नामेंट कराते हैं जी। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मतलब युवा वर्ग हमेशा खेल में बहुत, प्रदेश स्तर पर भी लोग यहाँ का युवा वर्ग गया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के लोग खेले हैं, युवा वर्ग का नाम कमाया है बरौली के लिए। अच्छा यहाँ क्रिकेट होता है, जिला टीम में भी या प्रदेश टीम में भी यहाँ के बच्चे सब गया है बरौली का। यहाँ ये बरौली प्रखंड और बरौली यहाँ हमेशा खेल के भावना से लोग रहते हैं, खासकर युवा वर्ग बहुत यहाँ मेहनत करते हैं खेल के प्रति, एक समझिए एक दीवाने के रूप में यहाँ क्या खेल प्रेमी है सब। और जो लोग यहाँ से चले गए खेल कर अच्छा जिला लेवल पर स्टेट लेवल पर, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बरौली का नाम सब लोग ऊंचा किए हैं। पिताजी पहले भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, आप लोग यहाँ के बच्चों के लिए क्या कुछ? देखिए, ये जो चारद्वारी हुआ है, जो खेल मैदान बना है, मेरे पिताजी का देन है, आगे भी हम लोग इसको चाह रहे हैं, चारों बगल से स्टेडियम जो बना है मेरे पिताजी का देन है, उनके रिज में स्टेडियम बना था, इस स्टेडियम का और बड़ा करने का हम लोग का विचार है, आगे चलकर बड़ा होगा। लेकिन एक सवाल और है, स्टेडियम तो ठीक है, चार दीवारी भी सही है, लेकिन ग्राउंड का जो जर्जर हालात है आप भी देख रहे होंगे, मिट्टी भर कर यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या इस कार्यकाल में संपन्न हो पाएगा क्या यहाँ? आने वाले समय में सबका निदान होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ खेल के प्रति हम लोग को हमेशा रुचि रहता है। यहाँ बरौली विधानसभा में 3-3 स्टेडियम का निर्माण किया गया, माझा में हुआ है, धर्मप्रसाद में भी हुआ है, प्लस मरौली में भी हुआ है। खेल के प्रति हम लोग हमेशा जागरूक रहते हैं, सबको सहयोग करते हैं। चलिए, अंतिम सवाल यही रहेगा कि पिताजी के बाद क्या आपको देखना होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग समाज के सेवा में हमेशा लगातार रहते रहते हैं, आगे जनता जो फैसला करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। चलिए, रणविजय सिंह के बारे में, मासूम जी के बारे में क्या कुछ? रणविजय जी, मासूम जी बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, खेल के प्रति बहुत उत्साह दोनों व्यक्ति रहते हैं। यहाँ बरौली में जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका रणविजय बाबू मासूम जी का रहता है। चलिए सर, शुक्रिया सर। सर, आप डॉक्टर साहब हैं, बगल में नेताजी के पुत्र खड़ा हैं, और स्वस्थ देखा जाए और खेल देखा जाए तो कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर, और आने वाला समय में हम लोग इन लोगों के साथ हैं जी। सर, खेल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देंगे आप समाज को? खेल के माध्यम से सब लोग अच्छा से खेलें जी, और बहुत अच्छा लगता है देखकर। आपका परिचय सर? डॉक्टर नरेश कुमार, बरौली। बरौली में रहते हैं जी। शुक्रिया सर। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।